इस श्रृंखला में हमने ध्वनि का परिचय कराया। हमने ध्वनि को एक तरंग के रूप में जाना, एक यंत्री तरंग जिसके प्रवाह के लिए माध्यम आवश्यक है, एक रेखांश तरंग जिसमें माध्यम के पदार्थ ऊर्जा प्रवाह की दिशा के समानांतर दिशा में विस्थापित किए जाते हैं, एक दाब तरंग जिसमें पुनः घटित अभिरचनाएं होती हैं, उच्च दबाव यानी संपीड़न और निम्न दबाव यानी विरलन क्षेत्रों की जो माध्यम के जरिए प्रवाह करते हैं। ध्वनि पर शोध के इतिहास को हमने प्रदर्शित किया और फिर हमने समझने की कोशिश की ध्वनि की भौतिकी को, उसके व्यवहार और आधारभूत गुणों को, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवरणन और व्यतिकरण। ध्वनि के विशेष प्राकृतिक प्रभाव, अनुनाद एवं डॉपलर प्रभाव प्रस्तुत किए गए और फिर ध्वनि तरंगों के वेग का अध्ययन किया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक खामोश गूंगे संसार की, ध्वनि रहित संसार? आप संचार कैसे करेंगे? ध्वनि मनुष्य की अभिव्यक्ति के लिए आधारभूत आवश्यकता है। गौरवपूर्ण मानव समाज अपने पूरे विज्ञान और तकनीक के साथ, कला और शिल्पकर्म के साथ, समाज और संस्कृति विकास और विस्तार के साथ परम उद्गार है मनुष्य की अभिव्यक्तियों का। हमने भाषाएं विकसित की हजारों की संख्या में और अंतर वैयक्तिक संचार को अपनी जाति का सबल गुण बना लिया। तो हम ये कैसे करते हैं, हम कैसे सुनते हैं? हम कैसे सुनते हैं ये एक जटिल विषय है जो संबंधित है विज्ञान देहिकी, मनोविज्ञान और ध्वनिकी से, भौतिकी की वो शाखा जो ध्वनि से संबंधित है। इस खंड में हम श्रवण ध्वनिकी का विश्लेषण करेंगे। ध्वनि कंपन या कहें ध्वनि तरंगे बाहरी कान द्वारा इकट्ठा की जाती हैं। कानों की लोलकी जो चेहरे के दोनों ओर स्थित है, फिर वो आगे बढ़ती है कर्ण नलिका की ओर, जहां वो कान के पर्दे से टकराती है। कान का पर्दा इन ध्वनि तरंगों के समाक्रमण में कंपन करता है। जैसे वो कंपित होता है, वो मध्यवर्ती कान में ननी हड्डियों की श्रृंखला को हिलाता है, जो इस कंपन को पहुँचाती है अंदरूनी कान में एक द्रव पूरित नलिका तक, जिसे कर्णावर्त कहते हैं। कर्णावर्त के अंदर का द्रव कंपित करता है नन्हे बालों की श्रृंखला को, जिन्हें सीलिया कहते हैं और जो श्रवण तंत्रिका से जुड़े होते हैं। सीलिया की गतिविधि उत्तेजित करती है तंत्रिकाओं को, जो फिर मस्तिष्क को संकेत भेजती है। फिर मस्तिष्क में इन संकेतों को संसाधित कराया जाता है उन ध्वनियों में जो हमें सुनाई देती हैं। तो वास्तव में हम अपने कानों से नहीं सुनते, बल्कि अपने मस्तिष्क से सुनते हैं। बाहरी कान सबसे आभासी एवं बाहरी हिस्सा है कान का। बाहरी कान में सम्मिलित हैं कर्ण पल्लव, जिसे ऑरिकल भी कहा जाता है, कर्ण नलिका और कर्ण पटल की पृष्ठीय परत, जिसे कर्ण पटही झिल्ली भी कहा जाता है। मनुष्यों और अधिकतर कशेरुकी जीवों में कान का दृष्ट भाग केवल बाहरी कान ही होता है। बाहरी कान में कर्ण पल्लव और लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी कर्ण नलिका होती है। कान की लोलकी मध्यवर्ती कान को सुरक्षित रखती है कान के पर्दे को नुकसान या आघात से बचाने के लिए। कर्ण नहरी की लंबाई के कारण 2000 हर्ट्ज से लेकर 5500 हर्ट्ज के आवृत्ति क्षेत्र की ध्वनि का 10 गुना तक अनुनाद एवं प्रवर्धन होता है। मध्यवर्ती कान एक हवा से भरा कोष्ठ है, जिसमें कर्ण पटल होता है और 3 नन्ही अंतः संबंधित हड्डियां हैमर, एनविल और स्टरप होती हैं। कर्ण पटल एक बहुत ही टिकाऊ और कसकर खींची हुई झिल्ली है, जो उस तक पहुंचती दाब तरंगों से कंपित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संपीड़न सशक्तता से कर्ण पटल को अंदर की ओर और विरलन बाहर की ओर कंपन करवाता है। इस प्रकार कर्ण पटल ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर कंपन करता है। चूंकि वो हैमर से जुड़ा है, कर्ण पटल का कंपन हैमर, एनविल और स्टरप को हिलाता है उसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर। ये नन्ही हड्डियां अंतर्ग्रथित उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं, जो कि हैमर तक पहुंचते कर्ण पटल के दाब को प्रवर्धित करती हैं। कर्णावर्त की अंडाकारी खिड़की कर्ण पटल से छोटी होती है, इस कारण और अधिक प्रवर्धन होता है ध्वनि कंपन का, कुछ आवृत्तियों पर 20 गुना तक होता है। अंदरूनी कान में कर्णावर्त, अर्धवर्तुल नहरें एवं श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं। कर्णावर्त और अर्धवर्तुल नहरें तरलनुमा द्रव से भरी होती हैं। कर्णावर्त एक सर्पिल चक्री नुमा अंग या कहें उपकरण है, जो लगभग 3 सेंटीमीटर तक खींचकर लंबा हो सकता है। द्रव से भरे होने के साथ कर्णावर्त की अंदरूनी सतह पर लगभग 20,000 नन्हे बालों जैसी तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारी श्रवण क्षमता में सबसे क्रांतिकारी भूमिका निभाती हैं। इन तंत्रिकाओं की लंबाई में हल्का अंतर होता है।
ये सूक्ष्मदर्शी बाल दरअसल संरचनात्मक प्रोटीन तंतुक होते हैं जो द्रव के अंदर तैर रहे होते हैं। ये बाल नुमा कोशिकाएं यांत्रिक अभिग्रहक होते हैं जो उत्तेजित होने पर रासायनिक तंत्रकीय प्रेषण उत्पन्न करते हैं। द्रव में प्रवाह करती ध्वनि तरंगे इन नन्हे बालों को धकेलती हैं। अगर बालों का झुकाव संवेदी हुआ तो वे संकेत उत्सर्जित करते हैं। इस तरह ध्वनि तरंगे रूपांतरित होती हैं तंत्रिक आवेग में। मनुष्य के कान संवेदनशील संसूचक हैं, जो सक्षम है घटते बढ़ते वायु के दबाव का संसूचन करने में, जो कि कर्ण पटल पर पड़ता है। कानों की श्रवण शक्ति भिन्न प्रकार की आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों के संसूचन में सक्षम है, जो कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की श्रेणी में है। इसे मानव श्रवण सीमा कहते हैं। निम्न ध्वनि या अवध्वनि अत्यधिक मंद तरंगों को या कंपन को कहते हैं, जो कि मानव श्रवण सीमा के नीचे की आवृत्ति वाली हो, यानी 20 हर्ट्ज से निचली। इतनी कम आवृत्ति कि मनुष्य के कान संसूचित न कर पाए। इन ध्वनि तरंगों के अध्ययन को अवध्वनिकी कहा जाता है और इसमें वो ध्वनि तरंगे आती हैं जो निचली मानव श्रेणी सीमा से लेकर 0.001 हर्ट्ज तक हैं। ये आवृत्ति क्षेत्र वही है जो कि भूकंप मापने के लिए भूकंप सूचक यंत्र में इस्तेमाल की जाती है। अवध्वनि की विशेषता ये है कि वे लंबी दूरी तय कर पाती हैं, बहुत कम छितराव के साथ रुकावटें भी पार कर जाती हैं। प्राकृतिक ढंग से अवध्वनि उत्पन्न होती है समुद्री लहरों से, हिमघावों से, भूकंप के दौरान, ज्वालामुखी से और उल्काओं के टकराव से। अवध्वनि मनुष्य रचित कारणों से भी उत्पन्न होती है, जैसे धमाकों से, रासायनिक एवं नाभिकी दोनों ही से, विशेष अभिकल्पित यांत्रिकी ट्रांसड्यूसर से, जैसे औद्योगिक कंपन मेजों से, और भव्य निर्मित सब वूफर लाउड स्पीकर से। हाथी, दरियाई घोड़े, गैंडे, जिराफ और मगरमच्छ, ये सारे जानवर अवध्वनि का उपयोग करते हैं मीलों दूर तक संचार संपर्क के लिए, जैसा कि वेल भी करती है। हालांकि ये ध्वनि तरंगे हम नहीं सुन पाते, पर महसूस कर सकते हैं। प्रयोगों से पता चला है कि हम पर इनका बहुत प्रभाव होता है, जैसे व्यग्रता, विषाद एवं कपकपी। तेज अवध्वनि 0.5 से 10 हर्ट्ज तक की आवृत्ति पर्याप्त है अंदरूनी कान में प्रधान प्रकोष्ठा या कहें संतुलन तंत्र को हिलाने के लिए। भूत प्रेतों से जुड़ी विचित्र संवेदनाएं अवध्वनि कंपन के कारण हो सकती हैं। पराश्रव्य एक चक्रीय ध्वनि दबाव है, जो कि मानव श्रवण सीमा की ऊपरी सीमा के ऊपर की आवृत्ति की होती है। ये सीमा लगभग 20 किलोहर्ट्ज की है। ये आवृत्ति सीमा भिन्न लोगों के लिए भिन्न हो सकती है और एक ही आदमी के लिए उम्र के साथ भी बदल सकती है। बूढ़े लोगों के कान उच्च आवृत्ति सुनने के लिए कम संवेदी हैं। उच्च आवृत्ति सीमा मनुष्यों में लगभग 20 किलोहर्ट्ज है, जो कि मध्यवर्ती कान के कारण है, जो कार्य करता है निम्न पारी छन्नी की तरह। सावधानी से किए गए वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन ने साबित किया है पराश्रवी की प्रभाव को कि बिना सचेत रूप से इन्हें सुने भी ये पराश्रव्य मनुष्य के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव करते हैं। कुछ जानवर जैसे कि कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ एवं चूहे, इनकी उच्च आवृत्ति सीमा होती है मनुष्य सीमा के भी ऊपर, और इसीलिए ये पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। जन दोषों में सम्मिलित हैं लुप्त कर्ण पल्लव, संकीर्ण या तंग कर्ण पल्लव, कान के आकार एवं प्रकार में अरूपता, संकीर्ण या संपूर्ण अवरोधित श्रवण नलिका आदि। ये दोष शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। अन्य जन दोष जो कि श्रवण शक्ति पर प्रभाव डालते हैं, वे हैं असमय वयस्क, कमजोर नवजात, गर्भधारण के समय रोग से पीड़ित महिला, गर्भावस्था में खसरा जैसी बीमारी आदि। ये दोष अंदरूनी कान को नुकसान पहुंचाते हैं, विशेष रूप से कर्णावर्त को। इस प्रकार की श्रवण क्षीणता का उपचार दुर्लभ है, हालांकि कई लोगों को श्रवण साधन उपयोग करने से फायदा पहुंचा है। कर्ण पटल को आघात, ये अवस्था एक आम दोष है। छेदित कर्ण पटल या कहे पर्दे का फट जाना, ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे मध्यवर्ती कान में द्रव का जमाव, किसी वस्तु से छेद होना, विस्फोट या धमाका आदि। जब सामान्यतः कसा हुआ कर्ण पटल छेदित हो जाता है तो वो सुस्त हो जाता है और बराबर से कंपन नहीं कर पाता। कई बार तो ये कर्ण पटल खुद ही ठीक हो जाता है, किंतु संगीन हालात में शल्य चिकित्सा आवश्यक हो जाती है।
मनुष्य के कान भिन्न भिन्न तरह के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जिससे श्रवण शक्ति में दुर्बलता आती है। ओटाइटिस मीडिया एक ऐसी ही बीमारी है जिससे बच्चे पीड़ित होते हैं। ये मध्यवर्ती कान में रोग संक्रमण की अवस्था है। जब इस सामान्यतः वायु से भरे हिस्से में द्रव भर जाता है तो हड्डियों की गतिविधि ग्रसित होती है और ध्वनि ठीक ढंग से संचारित नहीं हो पाती। ओटाइटिस मीडिया का साधारण सा इलाज है दवाइयों द्वारा, जैसे एंटीबायोटिक्स और डीकंजेस्टेंट से। कान कुरदनी, जिससे कि बिना देखे कान का मैल साफ किया जाता है, उल्टा हानि पहुंचाती है, क्योंकि उससे मैल उल्टा कान के अंदर सरका दिया जाता है और अंदरूनी हिस्से की पतली त्वचा से रगड़ने के कारण विकार उत्पन्न होते हैं और रक्त भी निकल आता है। किसी भी अनावश्यक, असहनीय और अनिमंत्रित ध्वनि को शोर कहते हैं। ये वो ध्वनि होती है जो किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न करे। कई बार सामान्य ध्वनि भी अप्रिय लगने लगती है परिस्थिति या अवस्था के कारण। नाद प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य संकट है। कई प्रमाणों ने साबित किया है कि अगर मनुष्य लंबे समय तक ऐसी जगह पर रहे जहां ध्वनि की तीव्रता 85 डेसिबल या उसके ऊपर हो, तो उसकी श्रवण शक्ति पर कुप्रभाव पड़ेगा। शोर सामान्यतः भिन्न स्वरों का मिश्रण होता है जो वातावरण को दूषित करता है। उच्च स्तर के शोर के खतरनाक परिणाम होते हैं। इससे आंशिक बहरापन एवं सोचने समझने में दिक्कत होने के साथ साथ मध्यवर्ती कान में नन्ही हड्डियों का विस्थापन भी हो जाता है। ये हमारे प्रजनन तंत्र प्रणाली एवं हृदय संवहनी तंत्र प्रणाली पर कुप्रभाव डालता है। जैसे ही हम कोई शब्द कहते हैं, हम उसे सुनते भी हैं। इस प्रक्रिया में तात्कालिक समाक्रमण है। हमारा मस्तिष्क संदेश भेजता है हमारी स्वर तंत्रियों को कोई शब्द कहने के लिए। स्वर तंत्रियां आदेश का पालन करती हैं और शब्द का उच्चारण करती हैं। कान शब्द सुनते हैं और फिर मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं कि शब्द कहाँ गया। शब्द सुन लिया गया और ये प्रक्रिया सफलता से पूरी हुई। जिस क्षण उसका उच्चारण होता है, उसी क्षण हमारे कान सुनते हैं और फिर कान वापस संदेश भेजते हैं मस्तिष्क को, आदेश पूरा होने की पूरी जानकारी देते हुए कि ध्वनि का उच्चारण हुआ, उस शब्द ध्वनि का जिसका आदेश था, ध्वनि करण गोचर थी और संग्रहित की गई, और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अगर ध्वनि के सुनने में कहीं विलंब हुआ तो वो मस्तिष्क में उलझन पैदा करेगा, इसलिए हमें चिड़चिड़ाहट होती है टेलीफोन पर अगर आवाज देरी से आए तो, और समाक्रमण रहे चलचित्र देखते समय भी। हेडफोन्स लगाकर तेज संगीत सुनते समय बात करने पर हम जोर से बोलते हैं, क्योंकि हमें अपनी आवाज खुद भी सुननी होती है। तभी तो हमारे कान मस्तिष्क को संदेश भेज पाएंगे कि जो कहा गया वो कर्ण गोचर था और सही था। जो लोग सुन नहीं सकते वो बात भी नहीं कर सकते। ये अक्सर होता है कि अगर बच्चा बहरा पैदा हुआ है तो वो गूंगा भी होगा। जानवरों के व्यावहारिक अभिरचनाओं को समझे और प्राकृतिक विपत्तियों के दौरान अवध्वनि प्रभाव देखें, तो ये ध्यान देने वाला विषय है कि जानवर इन अवध्वनि तरंगों को अभिज्ञान कर लेते हैं और इनका उपयोग भी करते हैं प्रारंभिक चेतावनी के रूप में। हाल ही का उदाहरण है 2004 का भारतीय महासागर का भूकंप। जानवर उस स्थान से पलायन कर गए थे इससे बहुत पहले कि सुनामी एशिया के किनारों से टकरा था। हाथियों के बारे में ठोस जानकारी है कि वे अवध्वनि का उपयोग करते हैं 2 से 2.5 मील की दूरी तक संचार करने के लिए। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में ध्वनि एवं श्रवण दीर्घा प्रदर्शित करती है मनुष्य कर्ण की पूर्ण कार्य प्रणाली को। आपको निमंत्रण है, आइए और समझिए श्रवण प्रणाली की संकल्पना को नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में।